निकलेंगे तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत जाम तो होता ही है। सुन रहे हैं ना, ये है माननीय मंत्री जी, नाम है ठाकुर रघुराज सिंह। यूपी सरकार में ठीक ठाक पद पर बैठे हैं, पकड़ भी बढ़िया है, लेकिन बस समस्या ये है कि इन्हें जनता की समस्याओं को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, कहते हैं कि क्या करें, जहाँ चलते हैं वहाँ जाम खुद ही लग जाता है। अभी मंत्री जी, आपका काफिला रुका तो पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, बीचों बीच सड़क पे रुका, इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, निकलेंगे तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत जाम तो होता ही है। सरदार पटेल को सलाम करे बगैर कैसे निकलेंगे? क्योंकि देश के सरदार हैं, हमारे आराध्य देव हैं, और आराध्य देव को प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत तो परेशानी आती है, क्योंकि हम लोग सामाजिक है, जब शादी विवाह करते हैं तब भी परेशानी होती है। तो ये भी एक सरकारी उत्सव है, आराध्य देव है हम लोग, सरदार पटेल पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों में उनकी गिनती होती है। तो इस नाते उनको प्रणाम करना, उनके चरण वंदन करना भी आवश्यक। सबसे बड़ी बात जानिए, मंत्री जी बढ़िया स्वागत करवा रहे थे, मस्त फोटो सेशन करा रहे थे, जाम लगा हुआ था और एम्बुलेंस भी सायरन पर सायरन बजाए जा रहे थे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जाम है, थोड़ी देर में तो खुल ही जाएगा। देखिए, निकलेंगे तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत जाम तो होता ही है। सरदार पटेल को सलाम करे बगैर कैसे निकलेंगे? क्योंकि देश के सरदार हैं, हमारे आराध्य देव हैं, और आराध्य देव को प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत तो परेशानी आती है, क्योंकि हम लोग सामाजिक है, जब शादी विवाह करते हैं तब भी परेशानी होती। दरअसल यूपी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बाराबंकी पहुंचे। उससे पहले एक चौराहे पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाना भी न भूले। सब इंतजार में रहे कि मंत्री जी कब जाएं कि जाम खुले, और फिर सब अपने अपने रास्ते निकले। वो अलग बात है कि जाम को शायद मंत्री जी कोई सभा समझने लगे, तभी तो जाम के बीच फोटो सेशन भी कराने लगे। हैरानी की बात तो तब है जब मंत्री होने के बाद भी समस्या ये नहीं समझे, बल्कि इस तरह की बयानबाजी करते हैं। कहते हैं कि क्या करें, जहां जाते हैं वहां जाम तो लगेगा। वाह मंत्री जी वाह, क्या बोला है, तारीफ जितनी करे उतनी ही कम होगी। यही मंत्री अगर खुद जाम में फंस जाए तब पता चलेगा कि समस्याएं होती क्या है।